आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। वाराणसी में लगातार गंगा के जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी के किनारे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गंगा नदी से सटे क्षेत्र में गंगा ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर गंगा में लगातार उफान से हो रहे नाविकों पर भी अपनी रोजी रोटी को लेकर संकट मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। वहीं दूसरी ओर गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद माँ गंगा की आरती का स्थल भी अब बदल दिया गया है। बाढ़ की स्थिति है, गंगा धीमे धीमे बढ़ रही है और गंगा इसमें इतने इस स्तर पर आ गई है कि मार्ग नहीं, पीछे का जो नीचे का मार्ग था 80 से राजघाट तक जाने का, जो किनारे किनारे लोग चले जाते रहे, वो रास्ते सब बंद हो गए और रास्ते मार्ग में जल आ गया है और इसको वजह से मार्ग का संपर्क एक दूसरे घाट पर आदमी घाट से नहीं जा सकता, जिसको जाना होगा तो ऊपर गली से आवेगा घाट पर, नीचे का मार्ग बंद हो गया है, मंदिर भी बंद हो गए हैं, सब जल में चले गए हैं, ब्राह्मणों का अपना अपना जो स्थान है सब छूट गया है, ऊपर आ गए हैं सब अपना चौकी छाता लेकर के। इस समय करीब 20 से 25 फुट गंगा जी बढ़ गई है और जो गंगा किनारे जो छोटे छोटे मंदिरें हैं सब पानी के अंदर हो गए हैं। जाने का रास्ता था अभी तक तो खुला रहा, लेकिन इस समय तो बंद हो गया, हर घाट पर जा नहीं सकते हैं। कोई कोई घाट पर आप सामने से उतरेंगे तो कोई घाट उतर जाएंगे, नहीं तो पहले गंगा जी उतरते रहे नीचे थे, इस घाट से उस घाट पे, उस घाट से उस घाट पे जा सकते रहे। इस समय गंगा जी बढ़ जाने से रास्ते सब बंद हो गए हैं, छोटे छोटे गंगा किनारे जो मंदिरें रहे वो सब पानी के अंदर हो गए हैं। कपड़े बदलने के लेडीज़ लोग के लिए रूम रहा तो रूम भी इस समय पानी के अंदर है।